स्पेस सामंत। आज हम एक लंच बैग बनाएंगे। ये कुछ इस तरह से है, अंदर से एक जिप का पॉकेट। अगर आप वन साइड लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। या आप अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल दीजिए। इसकी मेजरमेंट्स मैं मेकिंग के साथ बता देती हूँ। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नए नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। नाइन इंच बाय 13 इंच का वन पीस, 2.5 mm की मैंने रबर शीट ली है। इसके साथ मैंने ये 5 mm का स्पंज अटैच किया है। इसके लिए मैंने ये फेवी बॉन्ड यूज़ किया है। इससे हमें 1-1 इंच चारों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। चारों साइड से आप अगर फाइबर शीट लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें ये यहाँ पर लगाना है और इसके ऊपर हम ये फैब्रिक फोल्ड करेंगे। ऐसे ही हमें चारों साइड से करना है। इस तरह से हमें फैब्रिक जोड़ना है। इसके बाद हम इसके ऊपर ये लेस जोड़ेंगे। ये मैंने दोनों साइड से लेस के दो पीसेज जॉइन करके ये लेस बड़ी बनाई है। एक साइड में हमें जोड़ना है, ये ग्लू से हम जोड़ेंगे। इस तरह से हम एक साइड में ये ग्लू लगाएंगे और इसके ऊपर लेस जोड़ेंगे और प्रेस करेंगे। दोनों साइड से हमें अंदर फोल्ड करना है। लेस जॉइंट करने के बाद हमें ये मैग्नेटिक बटन जोड़ना है। बटन की ये साइड हम इसके ऊपर जोड़ेंगे। यहाँ से हमें 2 इंच मार्क करना है। दोनों साइड से हम इस तरह से मार्क करेंगे। इसके बैक साइड में हमें लॉक करना है। इस तरह से ये दोनों साइड से बटन जॉइन करके लिया है। अभी हमें 9 इंच बाय 13 इंच का ये कैनवास लेना है। एक साइड से वो स्टिकी है,
ये अस्तर का ही फैब्रिक आता है, ये हमें 9 इंच बाय 14 इंच लेना है। ये हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हमें प्रेस करना है। इस तरह से हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे। तो ये लाइनिंग कैनवास के साथ जॉइंट हो जाएगा। इसके बाद हमें जो एक साइड में एक्स्ट्रा लाइनिंग था वो हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। एक ही साइड में हमें फोल्ड करना है। इसके बाद हमें 2.25 इंच बाय 4.5 इंच के दो कैनवास के पीसेस लेने हैं और दो लाइनिंग के पीसेस, और ये हमें फैब्रिक से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये स्टिकी साइड हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। इसको हमें ऊपर की साइड से ये लाइनिंग जोड़ना है। इसके बाद हम ये जो स्टिकी साइड थी इसके ऊपर हम फैब्रिक रख के उसके ऊपर प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें एक साइड में दो फोल्ड करके सिलाई करना है। ये 5.5 इंच की जिप ली है, ये जिप 3 नंबर की है। इसके अंदर रनर डाल दिया है। इसके दोनों साइड से हमें ये फैब्रिक जोड़ना है। दोनों साइड से इस तरह से दोनों साइड में फैब्रिक जॉइन कर लिया है। अभी हमें 3.5 इंच बाय 6.5 इंच का एक लाइनिंग का पीस लेना है। इसके ऊपर हम ये जिप जोड़ेंगे। इसके बाद हमें ये जो फोल्ड की हुई साइड थी यहाँ से हमें 4 इंच मार्क करना है। इसके बाद 1/4 इंच इसके बाद 4.5 इंच यहाँ से हमें 3.5 इंच मार्क करना है। ये मैंने मार्किंग किया है और यहाँ हमें सेंटर करना है। ये जीप हम इसके ऊपर जोड़ेंगे, इसका भी सेंटर मार्क किया है। ये हमें इस तरह से जोड़ना है। यहाँ पर एक फोल्ड करके हमें सिलाई करना है। इस तरह से दोनों साइड से एक एक फोल्ड किया है। अभी हमें उल्टा करना है। ये फोल्ड के ऊपर ही हमें सिलाई करना है। फिर यहाँ पर एक फोल्ड करेंगे।
यहाँ पर एक फोल्ड करना है। इस तरह से हमें ये पॉकेट बनाना है। एक इंच का एक लाइनिंग का पीस लेना है, ऐसे दो फोल्ड करके और एक फोल्ड करना है और इसके दोनों साइड से सिलाई करना है। इस सिलाई होने के बाद हमें एक एक इंच के दो पार्ट कट करेंगे। इसके अंदर डालना है। और इसके ऊपर सिलाई करना है। जहां से जॉइन नहीं किया है वो साइड में हम जोड़ेंगे। ऊपर की साइड से हमें 3.5 इंच मार्क करना है। और दोनों साइड से हमें 1.5 इंच मार्क करना है। ये मार्किंग के बाहर से हमें जोड़ना है। ये मार्किंग के बाहर से जॉइन किया है। इसके बाद हमें 5 इंच बाय 11 इंच का एक फैब्रिक का पीस लेना है। ये 3.5 इंच का मार्क है, वहाँ तक हम जोड़ेंगे। इस तरह से एक फोल्ड करके सिलाई करना है। साइड से 1-1 इंच छोड़ना है। इस तरह से सिलाई करना है। इसके बाद ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये तीनों साइड से फोल्ड किया है। इसके बाद हमें साइड से 2 इंच मार्क करना है। और ऊपर से 1/2 इंच, दोनों साइड से। इसके ऊपर बटन की ये साइड हम जोड़ेंगे। इस तरह से बटन की दूसरी साइड जॉइन की है। इसके बाद हम ये पार्ट लेंगे, 2.25 इंच बाय 4.5 इंच के। इसके एक साइड से हमें 1/2 इंच मार्क करना है। ऊपर की साइड में हमने सिलाई की है। और ये मार्किंग के बाहर से हमें कट करना है।
करना है। ऐसे चारों साइड से कटिंग किया है। अभी हमें ये मार्किंग के ऊपर सिलाई करना है, इतना ही हमें सिलाई करना है यहाँ से यहाँ तक। ये चारों साइड से सिलाई की है। अभी हम ये पार्ट लेंगे, ये 1.25 इंच की साइड है। यहाँ पर हमें इस तरह से रखना है। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। क्लिप लगाएंगे। वैसे हमें दूसरे साइड में जोड़ना है। यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे। इस तरह से हमने ये ग्लू लगा के इसके ऊपर पिन से जोड़ा है। अभी हम यहाँ से सिलाई करेंगे। कॉर्नर से हमें ऐसे टर्न करना है। इसके बाद हम दूसरी साइड में भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। सिलाई करके ये पार्ट कंप्लीट किया है। ये बटन के अपोजिट साइड में हमें ये जोड़ना है, ये फोल्ड की हुई साइड। इस तरह से हम ग्लू लगाएंगे।
ये चारों साइड से जॉइन किया है। अभी हम ऊपर की साइड से एक लेस जोड़ेंगे, इस तरह से फोल्ड करके रखना है। इस तरह से ये लेस जॉइन की है। अभी हम अंदर ये चेन जोड़ेंगे। अगर आपको वन साइड लेना है तो ये आप लगा सकते हैं। अगर आपको ये चेन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं।